Hi guys, welcome back to my channel Shy Styles. कैसे हैं आप सब? तो आज का वीडियो आपको टाइटल से बताया क्या हम शेयर करने वाले हैं, हमारे लव स्टोरी का पार्ट 3, जिसके लिए बहुत सारे जो कि बेसिकली हमारी मैरिज स्टोरी है। हाँ, हमारी लव स्टोरी वहीं पे एंड हो गई थी, उसके बाद शुरू हुआ था हमारा मैरिज स्टोरी का, यू नो, मतलब हमारी शादी कैसे हुई वो वाला प्रोसेस स्टार्ट हुआ था कि हमने कैसे मनाया, क्या क्या, मतलब वहाँ तक हमारे घर वालों को समझ आ गया था कि हाँ हम प्यार करते हैं, अब उसके आगे हमने मैरिज के लिए कैसे कन्विंस किया वो पता चलेगा आप लोगों इस वीडियो में। ये भी काफी इंटरेस्टिंग हो गया ऑब्वियसली, जैसे आपको पाकी स्टोरी हमारी अच्छी लगी थी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले उन लोगों को बोलना चाहूँगी जो बहुत सारा यू नो प्रेशर दे रहे थे कि आप डालो 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 डालो, हमने अभी एक महीना ही हुआ था अपनी लव स्टोरी डाला, तो थोड़ा टाइम लगता है ना, तो थोड़ा पेशेंस होना और चाहिए। और लिटरली मतलब मैसेज ऐसे आ रहे हैं, मैं मैसेज पढ़ता था, हम आपको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, हम आपको ब्लॉक कर रहे हैं, हम आपको ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपने स्टोरी नहीं सुनाई, ये नहीं सुनाई। यार मजबूरी होती है हमारी, हमने लव स्टोरी जो हमने शूट की थी वो किसी वजह से डिलीट हो गई लिटरली, और हमने उसे बैकअप भी करने की बैकअप पर बाकी सारी वीडियो आ गई लव स्टोरी, कुछ पार्ट्स नहीं बैकअप मतलब नहीं हो पाए क्रिएट, हमने उसको शूट करने की कोशिश की पर वो सेम ड्रेस वगैरह सब कुछ वो ऐसा एम्बियंस वगैरह नहीं हो पाया, तो हमने सोचा दोबारा शूट करते हैं। तो सबर रखिए यार, आप ही के लिए चैनल बनाया है आप लोगों के लिए, शूट कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि कहीं कोई पार्ट मिस ना हो जाए, क्योंकि नहीं होगा, सब यहाँ पे ट्राई करेंगे कि सारी वो डाटा तो सारा कॉपी है, असली ओरिजिनल डाटा तो कहाँ है, यहाँ पे मेरे पास नहीं है क्योंकि मुझे डेट्स याद नहीं रहती है। ओके, तो आधी चीजें तो मैं को ही याद है। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं, एंड कहाँ पे किया था हमने? एंड हमने किया था कि आपके पास फोन गया था डैडी का, मयंक का जीमेल जो है वो मेरे फ़ोन में सेव था, क्योंकि उस टाइम मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर लिया था, तो हमारे बीच में कभी ऐसा ना ट्रस्ट का प्रॉब्लम नहीं था। ये जो जीमेल मैंने शाय के में लॉगिन कर रखा था वो ट्रस्ट इशू नहीं था, वो इसलिए था कि शाय मेरा जीमेल मैनेज करती है और आज भी मैनेज करती है, मैं बहुत इस चीज़ में केयरलेस हूं, तो शाय हैंडल करती है जीमेल्स हो गई, ब्रांडिंग्स हो गई, यू नो यूट्यूब पे सारी चीज़ें मैं मैनेज करती थी, तो इसलिए मयंक ने जो अपनी जीमेल में फ़ोन नंबर सेव किए थे वो सारे कॉन्टैक्ट्स मेरे में भी थे, तो मम्मी पापा का सबका मैं देखती रहती थी स्टेटस, व्हाट्सएप का चलता था, और मुझे नहीं पता था उन लोगों ने भी मेरा सेव करके रखा हुआ है। मतलब हम दोनों एक दूसरे को, मतलब ये फैमिली हो और मैं, एक दूसरे को चोरी छुपे हम लोग स्टॉक कर रहे थे तो हुआ क्या, मुझे पापा का कॉल आया, आई गेस ट्यूजडे था, डैडी नाम से करा था, तो मेरे को लगा नहीं मजाक है, शौक है, मैं एकदम हो गई, मैंने कॉल कट कर दिया, मैंने सडन माइंड को कॉल लगा दिया, नहीं पहले दो कॉल आए और शायद कॉल नहीं उठाया, ये सोचे कि मेरे पास डैडी का कॉल कैसे आ रहा है, शायद मयंक का तो नहीं, इसने दो तीन बार दिमाग लगाया, फिर इसने पापा का कॉल कटते तुरंत मेरे पास कॉल मिलाया, फिर मैंने बोला था कि शायद उठा लो कॉल, पापा ने अगर कॉल मिलाया तो कुछ बात करने के लिए उठाया, और फोन पे क्या करेंगे, ज्यादा डांटेंगे तो सही, उठा के बात कर लो, शायद ने फिर कॉल उठाया, फिर दीदी का कॉल आ गया, मैं उसको क्लाइंट पे था, शायद ने मेरा होल्ड पे डाल के फिर दीदी का कॉल उठा, दीदी का कॉल आया कि शायद फोन उठा ले, पापा बात करना चाहते, मैंने ओके ठीक है, फिर मैंने पापा का कॉल उठाया, तो उठाते पापा ने मुझे बोला फोन क्यों नहीं उठा रही थी, मैंने कहा मैंने कुछ नहीं ऐसे ही, मतलब मैं थोड़ा वैसे डर गई थी, तो मतलब कहते ठीक है मुझे बात करनी है, तो उससे बेटा तो नहीं बोला उन्होंने, मुझे बोला कि देख मैं ना तीन ऑप्शन देता हूँ पापा का स्टार्टिंग से, पहले लाइन ये थी कि मैं ये खत्म करना चाहता हूँ ऐसे भी, पर मैं अभी टॉलरेट नहीं कर पा रहा, पापा ने बोला था मुझे एग्जैक्टली व्हाट टू वर्ड, कुछ चीजें याद है मुझे, तो मैंने कहा अच्छा, तो कहते देख इस चीज़ों को ख़त्म करना है एंड ऑल, और तीन ऑप्शन है बेटा, तीन में से तू मुझे बता दे क्या तेरे को ठीक लगता है, एक तो तेरे घर तो मैं नहीं आ सकता, मैंने कहा हाँ, तो या तो तू मेरे घर आ जाए, या तो बाहर मिल ले, या तो एक और ऑप्शन दिया था कि कहीं घर के बाहर मिल लो, या कहीं बाहर ऐसे गाड़ी में, तो मुझे वो दोनों ऑप्शन नहीं सही लगे, क्योंकि मेरे को ऑब्वियसली इस घर में आना था, तो मैंने ऐसा बोला कि नहीं घर आना बेटर रहेगा, फैमिली से बात करनी है, तो बाहर कैसे हालात बिगड़ जाए, तो घर की चार दीवार के हाँ जो घर में होगा भाई ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है घर आ जाऊंगी, तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है आपको एक दो दिन का टाइम दिया था उन्होंने मुझे, आई गेस सैटरडे आई थी मैम, मुझे अगले दिन ही गया, चले अगले दिन नहीं था, अगले दिन था नहीं था, अगले दिन था जो आपने नहीं था, आपने फोन पे मुझे कहा था कि मैं तुम भी आ रहे हो कल, मुझे नहीं पता, मैं मेरे को डर लग रहा है, पर तुम भी कल घर आ रहे हो, मैं मामा जी के घर पे था अपने, कि मैं इस चीजों से पक चुका था, तब मैंने ये बोला था कि नहीं शायद पापा ने तुम्हें कॉल किया, तुमसे मिलने वाले चाहते हैं और घर पे बुलाया है, और मेरे पापा को यकीन रखो, मेरे पापा हमारे ऐसा हमारे यहाँ पे ऑनर किलिंग नहीं की जाती है, तो तुम आराम से जा सकते हो, मिलने जा सकते हो, तो इसलिए अगले दिन की बात थी, जब मैंने शायद कहा था कि मैं रात को निकल रहा हूँ सुबह पहुंच जाऊंगा, अगर आप बोलो तो मैं रात को निकल रहा हूँ, रात को दो घंटे में पहुंच जाऊंगा, अगर आप बोल रहे हो तो, पर मैं चाहता हूँ कि आप अकेले मिलो, इसलिए आप अगले दिन आए थे अच्छे से आते हो। और मैं आपको एक सच बात बताऊं, यहाँ पे एक बहुत ही ट्रू स्टोरी है ये वाली, उसी दिन शाम को मैंने एक स्मोकी आई लुक क्रिएट किया था, ठीक है, और ढूंढोगे पुराने वीडियोस में ना 2020 की तो मिल जाएंगी सारी चीजें,
ठीक है उस टॉप में मैंने किया, और ना मैं कोई प्रोडक्ट मेरे जैसे सोफे पे बैठ के शूट करी थी, कुछ गिर गया, मैंने उसे उठाने के लिए उसको झुकी उठाने के लिए, और मेरी कमर में कुछ हल्का सा बल और चोट सी आई, मुझे नहीं पता वो क्या था, जैसे यूजुअली है ना स्ट्रेन जैसा कुछ पड़ जाता है एकदम मोच आती, तो मेरे को लगा नॉर्मल है। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, वो बढ़ते बढ़ते मैंने मयंक को कॉल मिलाया, बहुत जरूरी थी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है मयंक, मेरी कमर ठीक नहीं हो रही, मैं बहुत दर्द हो रहा है, मैं इतनी रो रही थी उस दर्द से, और पूरी रात में एक पोजीशन में से अकड़ी पोजीशन में लेटी थी, और जब मम्मी कह रही थी कमर थोड़ी सी सीधी, मेरी मम्मी पापा सब पापा कह रहे चलो हॉस्पिटल दिखा ले, मैंने कहा नहीं रात में 12 बज रहे हैं, मैंने कहा फिर इमरजेंसी जाना पड़ेगा, रहन दो, पापा ने कहा ठीक है सुबह दिखाएंगे, और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी उस टाइम पे, तो मैंने ये सोच रहा, फिर मैंने कहा अगर मैं सुबह ठीक नहीं हुई तो फिर क्या होगा, मतलब मैं कैसे जाऊंगी, और मैंने कमिटमेंट किया था मेरे को घर जाना अगले सुबह, क्योंकि हमारी सिचुएशन ऐसी थी अगर शायद उस टाइम पे मना करती तो पापा को लगता कि ये टल्ला दे रही है, टाल रही है, पीछे हट रही है, और ये धोखा दे रही है ना, और मतलब बहुत ये सब तो नहीं बोल रहा, पर ये भी लगे कि हाँ कि अवॉइड कर रही है, जो भी कर रही है मिलना नहीं चाह रही है, क्या मन की वजह से जाना चाह रही है, चाहे ट्रस्ट नहीं कर रही है, बहुत सारी चीजें दिमाग में आती, तो इस वजह से, पर मेरे को ये था कि मुझे जाना ही जाना है, मैंने फहीम को बोला कि मुझे जाना ही जाना है, आज मेरे पास फर्स्ट एंड लास्ट मौका, अगर नहीं गई तो चीजें बिगड़ जाएंगी, मैंने फिजियोथेरेपिस्ट को कॉल किया, दवाई ली, मालिश करी, सब कुछ किया, एंड जैसे तैसे 1 बजे तक मैं ठीक हुई, 1 बजे मैं निकली, और उसके बाद मैंने मयंक को कॉल कर दिया था कि मैं घर जा रही हूँ, मयंक ने ऑल द बेस्ट बोला, एंड कहा ठीक है जाओ अच्छे से, सबसे सही से बात करिए, मैंने कहा ओके, घर आई, नॉक किया, और लाइक मैं बहुत शिवर कर रही थी, मतलब मैं कांप रही थी, मुझे कोई देख लेता तो हंसता, इवन सब घर वाले भी मुझे इतना काम ना बताया था, मुझे मम्मी ने कि शायद इतनी डर क्यों रही थी, इतनी कांप रही थी वो जब घर में घुसी थी, मैंने कहा बहुत कांप रही थी, पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठा थी, बड़े पापा था, ये सब थे एक्सेप्ट खुशबू दीदी, बिकॉज वो मुंबई शिफ्ट हो चुकी थी तब तक, और मैं इतना डर रही थी मेरे से, और मैं ही नहीं था वहाँ पे, और कोई मतलब जिसका सपोर्ट मुझे चाहिए था उस टाइम वो लड़का ही नहीं था वहाँ पे, मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर छोटे पापा और बड़े पापा यानी डैडी और बड़े पापा आए, और उन्होंने पहला ड्राइंग रूम में बैठे थे, ड्राइंग रूम में सबके साथ बैठी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया नॉल, उसके बाद उन्होंने कहा शायद आके बात करनी है चल बैठ रूम में, जो मयंक का रूम, मेरा पुराना कमरा नीचे वाला, उसके अंदर पहले मेरा फहीम आया मेरे साथ, तो कह रहे नहीं हमें शायद से अकेले बात करनी है, मैंने कहा अल्लाह और गए भैया मेरे मॉडल, फिर मैं ऐसे ऐसे एक चेयर पे दूर बैठ गई, उन्होंने कहा वहाँ क्यों बैठी है, यहाँ बेड पे आके बैठ, ऐसे बोला बाबा ने, मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, ओके 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 मैं ठीक हूँ, कह रहे नहीं आके बैठो, फिर मैं आते ही मेरा रोना शुरू, टप टप पापा कह रहे देखो मुझे आंसू पसंद नहीं, रो क्यों रही पुष्पा, आई हेट टीयर्स, आपने डायलॉग मारा है ना, बड़े पापा यार बहुत मजाक किया है उन्होंने, ऐसे कह रहे तू शांत हो जा, ऐसा टेंशन मत ले बेटा, कुछ हम ऐसा कुछ नहीं बोलने वाले तुझे, फिर उन्होंने ना एक्चुअली सारी सिनेरियो को रख दिया कि देखो तुम्हारे, देखो हमें दिक्कत बहुत सारी चीज़ों से है, और जो तुम्हें भी दिक्कत आई है, अभी तुम लोग प्यार में हो तो इसलिए तुम्हें नहीं लग रहा, बट यू नो काफ़ी चीज़ों की डिफरेंसेस हैं तुम्हारे बीच में, सबसे बड़ा था रिलीजन, सेकेंड उन्होंने बोला कि बेटा हाइट जो मैटर करती है, आप कैसे करोगे, दुनिया हंसेगी जब साथ में चलोगे एंड ऑल, बेयर कर लोगे सारी चीज़ें, तो उस टाइम मैंने हर एक चीज के लिए हाँ हाँ, कि रिश्तेदारी में अगर जाओगे तो ताने आपको आज अगर मान जाएंगे तो 20 साल बाद 30 साल बाद सुनने कहीं ना कहीं से आपको सुनने में आती रहेगी, आपके पीछे ये बातें हो रही हैं, क्योंकि मयंक की हाइट इज एक्सट्रीमली लंबी, 6 feet 7 inches आई एम 5'1" ओनली, तो आप सोच सकते हो यहाँ पे 5 feet के 6 feet के लड़के से शादी होती है, तो सोसाइटी कितनी बातें बनाती है, तो यहाँ पे तो एक्सट्रीमली लेवल था, ऊपर से बॉडी बिल्ट मयंक का बहुत हैवी है, मैं उसके सामने बहुत छोटी सी लगती थी, अब तो बराबर हो रही है, नहीं मैं बदले वाली हूँ, तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें, पर मैंने बोल दिया कि नहीं हम लोग कर लेंगे, हम 6-7 साल साथ हैं, हम लोगों ने चीज़ें झेली हैं तो हम कर लेंगे, ऐसे मैंने बोल के हाँ ठीक है, फिर और भी उन्होंने चीज़ें, उन्होंने कहा ठीक है चलो अगर तुम लोग बच्चे नहीं मानना चाह रहे हो तो क्या कर सकते, पर मैं तो चाहता हूँ कि ये शादी ना हो, ये हाँ ये भी बोला, फिर उन्होंने मैंने उनको कंडीशन रख दी कि मैंने कहा पापा देखो हम लोग कर सकते थे शादी, उन्होंने कर सकते थे, बट हमने आप लोगों की रजामंदी ही पहले प्रेफरेंस रखी, आपके बिना मर्जी के हम लोग नहीं करना चाहते, हम लोग आपके साथ रहना चाहते हैं, इस ठीक है वहाँ फिनिश हो गई। फिर मुझे कामाक्षी ने पास्ता खिलाया, मम्मी ने भी थोड़ी देर बैठाया, मम्मी तो अंदर ही अंदर सोचोगी लड़की कब जाए, ये बहू नहीं बनाना मैं इसको मजाक कर रही हूँ, बट हाँ उस टाइम यही दिमाग में था उनके। मैं घर गई एंड ऑल, फिर घर जाके बात बताई मैंने मयंक को, उसके बाद स्टार्ट होती है जर्नी, उसके बाद फिर ये था कि मैं घर पे आया, घर पे फिर मम्मी ने बताया, शाय का थोड़ा मजाक बनाया कि रो रही थी कांप रही थी, तो कह रहा है ये करती है वो करती है, तो डर रही थी रो रही थी, फिर सब कुछ मैंने कहा मम्मी वो ऐसी ही है नेचर में बिल्कुल ही, उसे कोई घूर के देख ले तो तब रो जाती है, सच में आज भी ऐसे ही। उसके बाद फिर नहीं, फिर ये चीज हो गई, अब शाय तो मेरे घर पे अकेले मिलने आ चुकी थी, अब थी बारी मेरी शाय घर पे जाने की,
नहीं मेरी बारी थी पापा को बताने की कि मैं ऐसे ऐसे मिलके आई हूँ, मैंने वो चीज नहीं बताई थी। फिर मेरी मैंने पूरी दुनिया जहान की हिम्मत जोड़ के एक जगह बैठा के उनको बताया, तो पापा वाज लाइक बातचीत है, तो मैंने कहा हाँ पापा नहीं छोड़ा, मतलब यू नो इवन यू कांट इमेजिन गाइस दैट टाइम कि क्या हो सकता है सिनेरियो। शादी करो बिल्कुल सन्नाटा, मातम, लिटरली मातम था। सीरियसली वो टाइम मैं कभी नहीं भूलती, वो उस टाइम बताने वाला, सब एक साथ एक जगह बैठे, मैं एकदम फ्रंट पे ऐसे सामने बैठ के मैं उनको बोल रही हूँ, तो मतलब पापा रेडी नहीं थे किसी भी तरीके से। मैंने कहा प्लीज एक बार मिल लो पापा, आपके मर्जी के बिना तो हम कभी भी कुछ नहीं कर सकते, मतलब आप हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी। इस टाइम पे ना ये हमारे इससे पहले के दो महीने और ये वाला महीना, ये तीन महीने बहुत मुश्किलों में गुजरे थे। उसके बाद फिर भाई शाय ने घर में बताया, फिर पापा ने बोला ठीक है, पहले घर वालों से मिलने से पहले उसके मैं नहीं, उन्होंने नहीं, मैंने कहा कि पापा कोई चीज करने से पहले एक बार लड़के से मिल तो लो, मतलब उसके बाद जो बोलोगे वो फैसला होगा, बाकी इंप्रेस करना फिर मेरे हाथ में था। मैंने मैं को बोला, मैंने कहा देखो पापा मान तो गए, सैटरडे आ जाना। पापा को बहुत डर लगता है जाट नाम से और ये जाट गुजर, ये तो ये मेंटालिटी स्टार्टिंग से लड़ाकू रहे हैं, तो लड़ते भिड़ने में हर चीज में आगे होते हैं, पर हमारा परिवार ऐसे नहीं था, तो इसलिए शायद बोलता एक बार मिल लो, एक बार मिल लो, मिल लो। और मैं को बोला प्लीज कुछ भी गोल्ड का नहीं पहनना, कॉलर पता है बंद रखना, शेव बना के आना, बाल छोटे कर लेना, फॉर्मल्स पहन के आना, और गोल्ड लगा के। मुझे लड़की होती ना इंप्रेस करती है, और उस टाइम पे यकीन मानो कि मैं तीन तीन चेन पहन रखता था, अंगूठियां और कान में बड़ी बाली, और भाई बड़े बड़े बाल, मैंने कहा सब कुछ खत्म करो, कान तक के ये सब कुछ निकाल के गया, सब कुछ उतार के आया था। और उस टाइम हमारा इतनी क्यूट थी, हमारा माया की गोद में जाके बैठी खेल रही थी, और फिर पापा ने काफी सारे सवाल किए, काफी सवाल पूछे, सब कुछ हुए, तो मैंने उन्हें बिल्कुल इंप्रेस किया, उनको दिलासा दिया कि आपकी बेटी जैसी है वैसी ही रहेगी, और उसको सब अपनाएंगे, प्यार से अपनाएंगे, अगर हाँ बोला है तो प्यार से ही अपनाएंगे, ये नहीं कि आपको प्यार से लेके आके फिर उसको यहाँ पे परेशान किया जा रहा है, ऐसा नहीं होगा, इसके साथ हमेशा हम हैं, मैं हूँ, ऐसा पापा को बोला। पर पापा का भी सेम यही डायलॉग था कि आप सोसाइटी देख लो, सोसाइटी दोनों घर से, बस एक ही चीज था सोसाइटी, हमारे घर में किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी सोसाइटी की, सोसाइटी इज अ प्रॉब्लम, इज अ बिग प्रॉब्लम, ना जिएंगे ना जीने देंगे। तो ठीक है भाई, यहाँ पे हुई बात, मैं गया, सब कुछ ठीक है। फिर मैंने बाद में पापा से पूछा, पापा कह लड़का मुझे ठीक लगा, लेकिन साइमा ऐसे नहीं होता है, कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि आप रिलीजन का क्या करो, बहुत सारे सवाल उनके दिल में। ओके फिनिश हो गई वहाँ पे बात, अब बात घर आ गए, मैंने कहा ठीक है, ये है मई एंड की, मई, फिर आया जून, नहीं सॉरी जून एंड की थी, ये जून एंड की बात थी जब मैं आपके घर आया, जून एंड जुलाई में बात शुरू हुई, फिर पापा का कॉल आया कि ठीक है, हम मैं इनके पापा का कॉल आया कुछ दिन बाद की बात है, अब करना क्या है, मैंने कहा पापा ठीक है बेटा घर आते हैं आके बातचीत करते हैं तुम्हारे पापा से, मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने ये बात बताई तो पापा वाज लाइक ओके, थोड़ा सा वो हुए अंदर से कि क्या सच में लड़ने आ रहे हैं, बात करने आ रहे हैं, पता नहीं उस टाइम तक पता ही नहीं था कि माहौल ऐसा था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या कि ये चीज हमारे लिए, हमें ये पता चल रहा था कि ये चीज हमारे लिए अच्छी जा रही है या बहुत बुरी होने वाली है, क्यों ये कभी भी कुछ भी हो सकता है इस मोमेंट, आपको मैं बता नहीं सकता क्या थी वो फीलिंग। उसके बाद फिर पापा आए, मैं बिल्कुल बाहर पिंक कलर का सूट पहन के डर डर के पसीने छूट रहे थे, देख रही हूँ मैं, बड़े पापा और मेरे पापा हम तीन लोग आए थे घर के नीचे, फैमिली ने जो गाड़ी की जगह खाली करवा रखी थी वहां गाड़ी लगवाई, सब कुछ सब ऊपर आए, लोग बैठे, देखो कैसे रहते, मैं पापा और यहाँ पे बड़ा पापा के साथ मेरे ससुर पापा, शायद थोड़ा सा नीचे बैठी थी पर पहले अंदर बैठी थी अपने कमरे में, तो सिर्फ विजिबल मैं ही था उसको, मैं शाय होते थे, शाय मुझे देख सकती है, बाकी शाय किसी और को नहीं देख सकती, ऐसे बैठी थी शाय कमरे के अंदर, याद है जब मैं हंस रहा था। के बाद भाई उस दिन अब वो होता ऑकवर्ड मोमेंट कि हम बात स्टार्ट कैसे करें और पहले कौन उस साइलेंस को ब्रेक करेगा, तो भाई वहां पर इतनी शांति थी, इतनी शांति कि ये लगा लो कि मुझे सुई की आवाज सुनाई देती, घड़ी में टिक टिक करते हुए सब चुप बैठे हुए, सब बस ऐसे ऐसे करके बैठे हुए सब, मैं हूँ शोर वाला बंदा, इतनी शांति सुन के मेरे को तो अजीब सा लगा कि लिटरली वो स्कूल में जो टीचर बोलती ना आई वॉन्ट पिन ड्रॉप साइलेंस, वो उस दिन मैंने महसूस किया था, और मैं ऐसे मुंह ऑर्डर के ऐसे करके ऐसे बैठा हूँ और हंस रहा हूँ लिटरली, और शायद मुझे देख रही है कि बदतमीज हो गया, तो शायद आंसू टपक रही है, शायद एकदम बहुत आंसू टपक रहा है, शायद और मैं हंस रहा हूँ लिटरली कि क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो गया रहा कि, तो हम मैं तो उल्टी बुद्धि का कि जितनी ज्यादा सीरियस मोमेंट होगा उतना ज्यादा मुझे हंसी आती है, और मैं हंस रहा हूँ, शायद मुझे घूरा, फिर मैं चुप हुआ। उसके बाद फिर बड़े पापा ने बोला चलो बताओ अब करना क्या है, मैं ही सबसे पहले बोलता हूँ, बड़े पापा ने ये भी लाइन बोलती सबसे ज्यादा पहले चलो मैं ही बोलता हूँ। फिर पापा ने कुछ ऐसे घर की बात और बताओ भाई साहब ऐसा घर का, तो पापा ने बात शुरू करी, मतलब डैडी ने तो बोलना ही नहीं था, फिर बड़े पापा पापा से बात शुरू, मेरे पापा ने कुछ नहीं बोला, पापा बस लाइक
मेरा आपने कुछ नहीं बोला, मेरे पापा उस टाइम एकदम क्लीन, ऊपर से भी क्लीन शेप, ये बड़ी बड़ी मूछ, दाढ़ी बिल्कुल क्लीन और बड़ी बड़ी मूछ और एकदम गुस्से में ऐसे बैठे हुए गुस्से में, लिटरली अगर फोटो कोई खींची होगी ना मेरी और पापा के साथ में, वो फोटो शायद बैठ के नीचे, वो फोटो भी आपको अभी दिख रही होगी, इतने मतलब उस टाइम पे गुस्से में बैठे हुए थे, आप खुद देखना एक्सप्रेशन। उसके बाद फिर निकले, पापा ने यही पूछा कि चलो ठीक है माना तुम शादी करते हो तो करोगे कैसे, बुलाओ शायद आई मैं बैठी फिर बताओ कि मैं, उन्होंने इस टाइम भी बोला कि देखो बेटा अभी भी बातचीत चल रही है, बातचीत दुनिया की, अगर यही पे खत्म कर दोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, सब आराम से अपनी अपनी जिंदगी जी सकते हैं, कि तुम ये बहुत ही सोसाइटी को चैलेंज कर रहे हो इस वक्त। हाँ हम सोसाइटी को चैलेंज कर रहे हैं, तो फिर भी हम मयंक ने बोला नहीं करनी है, मैंने निभा लूंगा उसी हो रहा था। फिर उन्होंने कहा ठीक है करनी कैसे है शादी, इस बारे में बस इतनी बात की चलो देखा जाएगा दैट्स ऑल, फिर वहां बात खत्म हो गई, घर चले गए, नहीं घर नहीं चले। फिर निकलते हुए सीढ़ी से उतरते पापा ने बोला कि आखिरी बार मैं तेरे को समझा रहा हूं, मैं नहीं चाहता शादी हो, कोई भी नहीं चाहता, तेरे पापा नहीं चाहते, पर ये करनी है समझ लो, गलत स्टेप ले रहे हो तुम ये बहुत ही, पर हमने उस टाइम भी यही चीज बोला पापा कर लेंगे। घर गए उतर के हम आ गए, फिर मुझे दो दिन के बाद पापा का कॉल आया कि हाँ ठीक है, मैंने कहा अगर मतलब पापा कोई चीज करने से पहले जुलाई स्टार्टिंग, हाँ तो मेरे पापा को भी घर देखना चाहिए, तो पापा को भी मतलब, अब देखो हम तो सिर्फ मिले थे कि पापा शाय के पापा और मेरे पापा सिर्फ मिले थे, हमारे अब तक घर नहीं मिले, कुछ नहीं मिला, एक दूसरे को देखा नहीं, रहन सहन नहीं देखा, तो फिर पापा ने फिर हमारे घर से कॉल आई शाय के पापा के पास, उन्हें बुलाया कि एक बार आप भी आ जाओ और बैठ के बात कर लेते कि करना क्या है। तो बस हम चार ही लोग आए थे उस टाइम घर से, मैं फहीम पापा और मम्मी और ये, और हमारे घर पे सिर्फ था कि उनको भी एक बार बुला लेते और एक बार आके बात बात कर लेते कि एक बार घर भी मिलने क्या है। लेकिन जो किस्मत होती है ना वो कुछ और ही, जुलाई ये लगा लो मिड जुलाई से पहले स्टार्टिंग के जुलाई में फर्स्ट वीक की एंडिंग की बात है, डेट मुझे एग्जैक्ट याद है और बता नहीं रहा डेट, जिस दिन मिड जुलाई था उस दिन आई थी। हाँ सॉरी इधर शाय जीत गई, शाय ने वाली मार ली, बिल्कुल एग्जैक्ट मिड जुलाई शाय के घर वाले आए, पापा मम्मी शाय फहीम सब कुछ पैक वैक करा के कि पहली बार जा रहे हैं खाली हाथ नहीं जाएंगे, तो घर आए मतलब बहुत हमारे घर पर शाय भी एकदम नॉर्मल घर का सूट, सब घर के कपड़े एकदम कुछ भी नहीं था ऐसा, मुझे सिर्फ बात करना है कि घर के कपड़े, लिटरली घर के कपड़े, अब फोटो आप देख रहे हो देखो क्या कपड़े हमने पहने हुए जो मैं डेली पहने घूमता हूं, अगर हमें पता होता कि इस दिन हमारा रुक होने वाला तो यार हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, फोटो शूट हुआ था लिटरली, हमारी फोटो देखो कैसे खींची हुई, ये हमारी सबसे अच्छी फोटो जो आप देख रहे हो। उसके बाद हुआ क्या था, घर से निकलते वक्त जैसे कि हमें सामान लेना था घर में पैक करा, वापस जाते हुए शाय को घर का ग्रोसरी का सामान लेना था, तुम्हें वो किस्मत ही थी, आए घर आए बैठे और इतने सारे पकवान बनाए गए थे भाई, मूंग दाल का हलवा से लेके समोसा, तो शायद शाय के पापा को भी यही लगा इंडिकेशन है कि ये भी इंटरेस्टेड है, क्यों नहीं तो इतनी अच्छी मेहमान नवाजी तो सिर्फ रिश्तेदारों में ही की जाती है, नहीं तो चाय बिस्किट नमकीन ये होता है, जब आपको वहाँ पे 15 तरीके पकवान होते तो ऑब्वियसली बात है कि आपको अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है, आपको अपनाया जा रहा है, तो ये इंडिकेशन लगी। बोला ठीक है घर देख लो, बड़े छोटे डैडी ने बोला घर देख लो, मम्मी भी बोले ऊपर नीचे घर दिखाया सब कुछ दिखाया, सब बैठे ड्राइंग रूम में, पर मैं लड़कियों की तरह शर्माने के लिए मेरे को मम्मी ने कहा था तो शर्माई तो एक साथ सामने बताई, मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था नीचे और मैं नीचे फहीम के साथ बाकी फैमिली के साथ बैठी थी, मम्मी पापा ने अपना पूरा ऊपर से नीचे तक घर देखा, देखो भाई हम यहाँ रहते हैं ये कमरा है नॉल ये मैं का सब कुछ ऐसे करके दिखा दी। नीचे जाने के बाद पापा ने कुछ मम्मी को ले जाके, मेरी मम्मी को ले जाके कुछ बात बाहर हॉल में बात की, वो बात ये थी कि मैं बता रही हूँ, बात ये थी कि भाई देखो बच्चे मान नहीं रहे हैं, मानना नहीं है, आना जाना भी हो गया, फैमिली जब एग्री हो रही है अच्छे हैं परिवार भी अच्छा है, मतलब काफी सारी चीजें, तो ठीक है बच्चों की खुशी के लिए, ऊपर से यहाँ आने के बाद पापा को ऐसा फील हो गया था कि फैमिली इंटरेस्टेड है शादी के लिए और अच्छी भी है फैमिली अच्छी भी है और अच्छे तो भी सब नेचर में अच्छे मिलने मिलने वाले हैं। बुलवाया कि मैं आया एकदम ऐसे चाय की प्याली लेके हैं जैसे लड़कियां आती है, ऐसा कुछ भी नहीं था, पल्लू वल्लू करके मैं अपना नॉर्मल पहना था, मुस्कुराता एकदम ऐसे लाल गाल लिए एकदम टमाटर की तरह आया ब्लश करते हुए जैसे कि मेरी शादी हो रही, मुझे थोड़ी मुझे लगा मिलने के लिए बात करने के लिए, दोबारा बैठे बैठते ही पापा ने निकाले ये 500 को इतने सारे नोट, बड़ी मोटी गड्डी अच्छी खासी गड्डी यार इतना भी नहीं था, उसके बाद आए शगुन था, देखो शगुन था पर वो जितना भी राशन निकाला था ना सारा सारा एज इट इज पापा ने वो गड्डी ली और कहा कि आज से ये बेटा हुआ हमारा और शाय बेटी हुई आपकी, मेरे हाथ में रखे पैसे मुझसे मिले गले और लिटरली वो यहाँ पे आ रहे थे मेरे पापा और हमने गले मिले ऐसे 3 बार और कहा कि हो गया हमारा, उससे पापा ने कहा बेटा ठीक है आप खुश हो हम भी खुश रहेंगे। फिर मुझे नहीं पता क्या हो रहा है,
मैंने कहा यही रोका होता है क्या, मन में सोचा बस इतना ही। मैंने कहा शायद देखा, मैंने कहा ओए शायद रोका होगा हमारा। फिर मुझे नहीं पता, मैं शॉक अभी पापा इनकी साइड से रोका मेरा हो गया। फिर मम्मी ने कहा जल्दी से पापा को ले जाके मेरे, अब हमारी बारी है। फिर बात करने कोने में गई, उसके बाद फिर कुछ बोला अक्षय को मिठाई की दुकान में भेजा, तू जल्दी भाग अग्रवाल पे जल्दी मिठाई की डाबी लगा। मम्मी ने सूट निकाले, शाय को सूट वूट निकाले, सब कुछ गोद में रखे, फिर मिठाई आई सब कुछ। फिर शाय का रोका हो गया, फोटो देख सकते हो ये रोके वाली फोटो है। फिर सबने फोटो खींचे, फिर मेरे सब वही रोका हो गया। और हम रोका फाइट, वी आर रोका फाइट, सच बता रहा हूँ यार, ऐसा हुआ। मतलब मुझे अब तक बिलीव नहीं हुआ। मैंने फोन निकाला, दोस्तों को फोन किया, मैंने कहा मेरा रोका हो गया। कह रहा चल बे बेवकूफ की बना रहा। मैंने कहा सच में रोका हो गया था, हेलो फोटो भेजो, फोटो देखो। उन्हें फोटो भेजी, सबने कहा भाई शाम को मतलब पार्टी को, मतलब किसी को यकीन नहीं हो रहा कि इतनी अचानक से रोका हो गया। हमें भी यकीन नहीं। एक दिन पहले तक लिटरली हम 2 घंटे पहले तक लड़ रहे थे कि शादी होगी नहीं होगी, और 2 घंटे बाद हमारा रोका हो चुका है। Yes. और मतलब बहुत ज्यादा डरे हुए थे, और वो जो टाइम था ना, मुझको यकीन नहीं हो रहा, मुझे ऐसा हो रहा मैं यही कपड़े। मेरी मम्मी रो पड़ी थी, मुझे मेरा रोका होता देख के मम्मी रो पड़ी थी कि यार इकलौता लड़का इसका रोका हो रहा है, इतना बड़े हो गया आज हम। अब भी जाते हैं जब कल को मायशा का भी होगा तो हम भी रो जाएंगे। ओ, रोना बेटी के लिए। उसके बाद ठीक है, बहुत स्माइल हुआ। मम्मी और पापा ने लास्ट में जाते, पापा ने मुझे, पापा ने बोला ठीक है बहन जी अब बेटी आपकी है, हमारी हमारी बेटी अब आपकी है। तो मम्मी ने कहा टेंशन मत लो, मैंने ऐसा लगा था बेटू हाँ ये तो हमारी बेटी है, ये तो हमारी बेटी है ऐसा करके। काश कुछ क्लिप्स मिल जाए तो आपको पक्का देखने को मिल रही होंगी, पड़ी होगी अगर अक्षय के पास, क्योंकि अक्षय ही बना रहा था उस टाइम पे। हम ब्लॉग थोड़ी ना कर रहे थे शूट, तो उसके बाद दैट सेट हमने उस टाइम ब्लॉगिंग वगैरह कुछ नहीं किया, क्योंकि वो टाइम और हालात ऐसे नहीं थे। मैं घर आई, मैंने कहा मैं यकीन हो रहा है, मैं कह रहा नहीं, मैं इतना खुश था कि उसने कहा मेरी शाम की पार्टी है बाद में मत कर दो। मतलब जिसके लिए तू लड़ रहा है यार, अब तो यार यार ऑब्वियसली बात मैं बोल रही, मैंने कहा उससे बात नहीं, मुझे मुबारकबाद नहीं थी, मुझसे मिलने की नहीं बात करी। कुतुब मीनार आपने कुछ, आपको जिंदगी भर कुतुब मीनार पर चढ़ना है, आप कुतुब मीनार पर चढ़ गए तो वही थोड़ी ना वाव क्या कुतुब मीनार, आप तो ये बोलोगे ना वाव क्या नजारा है। कुतुब मीनार तो साइड में हो गए ना, वो तो आप चढ़ लिए, तो हम तो जीत चुके थे कि हमारा रोका हो गया, अब तो पार्टी की बारी। मतलब मैं 2 दिन तक लड़ती रही, मैंने कहा एक बार भी नहीं बोला कि शायद मुझे मिलना है, रोका हो गया हमारा अब हम फाइन। लेकिन तब तक रोका भी टूटते हैं, रिश्ते भी टूटते हैं, तब तक हम लोग अभी तो हमें और संभल के चलना था। उसके बाद बारी आती है क्या, उसके बाद और बातचीत शुरू हुई। अब मैं थोड़ा थोड़ा हम शॉर्ट में बताते हैं आपको, शॉर्ट में कि अब आई बारी कि शादी होगी कैसे। ये एक बहुत सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट कि आपकी शादी होगी कैसे, हिंदू मुस्लिम शादी बिल्कुल नहीं, मतलब रीति रिवाज। देखो एक चीज मैंने साफ बता रहा हूँ आप लोगों को पर्सनली, रीति रिवाज बिल्कुल सेम है, हमने मैच किया बिल्कुल सेम है, किस इनके पहले हमारे बाद में, इनकी जो हमारे पहले वो इनके बाद में, मतलब सेम है, आगे पीछे सारे हैं, वो अलग अलग है। तो माइंड, तो फिर हमने सारी चीजें रखी और जो जो फिर हमने साफ क्लियर कहा था कि अब हमारा शादी करने का मेन पॉइंट यही था कि देखो शायद जो है मेरे धर्म की बहुत रिस्पेक्ट करती है, मैं शायद की धर्म की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इनफैक्ट हम बाकी सारे धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, पर अभी हम अपने धर्म की बात करते हैं खाली। तो हमने ये सोचा था कि देखो जो मैं हूँ मैं रहूंगा शायद रहेगी, हम एक दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, हम एक दूसरे धर्म की इज्जत पूरी करते हैं, और उसको जिंदगी भर जैसे है उसको छेड़ेंगे नहीं, वैसे ही रहेंगे रिस्पेक्ट करते हुए, हम चेंज नहीं होंगे। मतलब ये बात पहले क्लियर हो गई थी कि शायद भी चेंज नहीं होगी, माइंड भी चेंज नहीं होगा। अब हमने कहा इस चीज के लिए पॉसिबल वे क्या है, तो पापा पापा सब बैठे घर गए, विक्की मामा भी गए, विक्की मामा ने हमारी शादी में बहुत हेल्प की। अच्छा मैं आपको बता दूं यहाँ पे ना जो हीरो यहाँ तक पॉइंट आने के लिए, तो वो मेन पॉइंट देखो जो यहाँ तक मनाने के लिए पापा को, देखो पापा नहीं मानते चाहे मैं कोई भी कह रहा था, पर यहाँ तक लाने के लिए पॉइंट मनाने के लिए खुशबू दीदी का सबसे बड़ा हाथ है, और विक्की मामा जी का जो मैंने सुना, और अक्षय, अक्षय ने एंड टाइम तक अक्षय का साथ नहीं छोड़ा, पर वो पापा को देखो मना नहीं पाया, और साथ ना छोड़ना भी बहुत है, और मनाने में सबसे ज्यादा खुशबू दीदी का हाथ है और विक्की मामा जी का। तो विक्की मामा जी सो मच एवरीवन। तो फिर विक्की मामा जी बड़ा बात बात करना, फिर पूछा बताओ क्या करना है। मैंने कहा देखो अब हम तो कर रहे हैं ऐसे ऐसे कि हमने पापा को फिर ऑप्शन दिया, और यही अब हमने फोन पे पहले डिस्कस कर रखा था हमें करना कैसे, हम इन रीति रिवाज के चक्कर में कि अगर हम ये फॉलो नहीं करते हैं कुछ नहीं करते हैं, पर हम अपने इस मोमेंट को बर्बाद नहीं करना चाहते थे, तो हमने पहले डिसाइड कर रखा था। प्रॉब्लम क्या थी कि हम चाहते भी अगर ना दोनों तरफ दोनों रीति रिवाजों से शादी करना पॉसिबल नहीं है, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल फिल्मों में बहुत अच्छा लगता है बट प्रैक्टिकली नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और हम एक दूसरे के, जैसे मैंने बताया रिलीजन, मैंने वीडियो में भी बहुत पहले बताया था, वो हम नहीं हर्ट करना चाहते थे, तो हमने यहाँ पे काम आया इंडिया का संविधान, इंटर रिलीजन मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज एक्ट आया यहाँ पे, उसके अंदर आप इंडिया में आपकी शादी लीगल, आप किसी भी रिलीजन से मैरिज कर सकते हो आपको, तो हमने सोचा कि इंटर रिलीजन मैरिज हमने की, जिस दिन हमारी शादी थी रात, जिस दिन हमने सुबह मैरिज की, 1 महीने पहले ले ली थी, और हमने उस दिन ही शादी करी, उस दिन हम लोग गए,
और तो हमारी मैरिज रजिस्टर्ड मैरिज है, जो कि हमारी लीगल मैरिज है, रजिस्टर्ड मैरिज है, उसके बाद हमारे मम्मी पापा ही थे विटनेस थे, क्योंकि मेरे पापा से हमारी शादी होना, मेरे पापा शाय के पापा और शाय की मम्मी थी ना, मेरी मम्मी, हम चारों गए थे, मेरी मम्मी की जरूरत नहीं थी, हां तो हम भी तीन गए, तो तीन विटनेस थे, तो मेरे मम्मी, मेरे पापा, शाय के पापा और ये इन्होंने ही साइन किया। गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आप इंटर रिलीजन मैरिज या फिर कोर्ट मैरिज करना चाहते हो, तो अगर आपके फैमिली मेंबर्स आपके लिए विटनेस हैं, तो आपकी शादी बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि विटनेस ऑब्वियसली फैमिली मेंबर्स हैं। नहीं, कोई भी विटनेस हो सकता है, आधार कार्ड चाहिए, बट फैमिली के साथ होना तो यार ऑब्वियस होता है, वो बहुत उन्होंने बोला था सिक्योरिटी, अगर फैमिली, उन्होंने देखा जज थी, उन्होंने कहा फैमिली वाले क्या बात है, उन्होंने फिर हमारी शादी कराई, ताली बजाई, कांग्रेचुलेशन बोला, हो गया। फिर रात को फिर मैं गया शाय घर पे बारात लेके, पहले डिसाइड कर लिया था कि हमारे फंक्शंस ऐसे ऐसे होंगे, रिंग सेरेमनी हमारी 18 की थी, 26 की हमारी शादी थी, उस दिन हमारी सुबह रजिस्टर्ड मैरिज थी, 25 की मेरी हल्दी मेहंदी थी, मयंक का बांध था, और हम उस टाइम इतना बिजी थे, मैंने सारी वीडियोस पहले से शूट कर ली थी, हम बहुत बिजी थे, हमने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं चाहती थी कि मेरी शादी बिल्कुल वैसी हो, बट वैसी नहीं हो सकती थी, तो हम अपनी शादी को एंजॉय करना चाहते थे, जैसे बारात आती है, विदाई होती है, हल्दी, फिर हम ऐसे घर पे गए, पूरा सब सारे शादी हमने देख रखे, पूरी खूब भीड़ थी, सारे रिश्तेदार, पूरा गांव सब आए थे, उसके बाद फिर कोविड का थोड़ा टाइम था, इसलिए हमें थोड़े से कम थे, नहीं तो और भी ज्यादा भीड़ होती, तो उसके बाद फिर शाही घर पे बारात ले गए, वहाँ पे फिर वहाँ पे हमने रिबन कटिंग सेरेमनी की, खूब डांस किया रिबन कटिंग सेरेमनी की, फिर हमने सिर्फ माला वाला सीन ही किया, क्योंकि हम चाहते थे बिल्कुल खाली ना हो जाए, उसके बाद फिर हमने फोटो शूट कराया, फिर डांस किया, फिर खाना खाया, फिर शाही को लेके हम रोते रोते घर आ गए, शाही रोते घर आ गए। हमारे वेडिंग में ऐसे कोई भी रिचुअल्स नहीं थे, एक्सेप्ट हमने जो बाकी थी ना, जूते चुराई है, जूते चुराई, स्टार्टिंग में वो जो सामान खोल के दिखाते हैं, जो सारी चीजें हो सकती थी वो हमने की, इसके अलावा और कोई था नहीं, किसी और रिचुअल से शादी नहीं हुई, जो लोग क्वेश्चंस होते हैं वो सब, शादी कैसे हुई, जो था हमने आपको वीडियो में दिखा दिया था पहले, ठीक है, उसके बाद मैं घर आई, उसके बाद बाकी जो रिचुअल्स थे होते हैं वो नॉर्मल हुए, फिर एक दिन छोड़ के जिस रिचुअल से उसके नेक्स्ट डे हमारा रिसेप्शन था, बहुत अच्छे से रिसेप्शन हो गया, हम दोनों साथ में उसके गए, बाद फिर हमारे हनीमून की टिकट्स बुक हो चुकी थी 15 दिन के बाद, तो गए 7 दिन के बाद, और वो गिफ्ट पापा, आकांक्षा दीदी, जीजा और खुशबू दीदी और जीजा और पापा का, इन तीनों ने मिला के मैं किया था, फ्लाइट वगैरह की बुकिंग्स करा दी थी, वो हमारे लिए बहुत अच्छा था, वो ट्रिप भी हमारा हनीमून का, हमारा मन तो उस टाइम पे बाहर जाने का था, पर कोविड की वजह से फ्लाइट बंद थी, तो हम नहीं जा पाए, आउट ऑफ इंडिया, कोई कभी अब तो महेश भी साथ में जाएगी, चीजें हो गई। अब हमारी लव स्टोरी का जो सेकंड चरण है वो है मायशा, तो हमारी बेटी हमारे पास है, और हम दोनों ने मिलके अपना नाम को मिला के उसका नाम रखा है। तो शादी के बाद तो आपको सारी स्टोरी पता ही है, जो भी था उसके बाद हम कुछ छुपा नहीं है, सब कुछ दिखा देते हैं, तो बस ये कहना था कि ये हैप्पी एंडिंग नहीं, ये हमारी लाइफ की हैप्पी स्टार्टिंग है लिटरली, एंड मैं चाहूंगी कि आप लोग दुआ ही दो हमें, एंड ब्लेसिंग्स दो, ताकि हम लोग लड़ते कूदते तो बहुत ज्यादा है, तो हमारी बस तो बात देखो, मैं एक लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, प्रूफ करना, आप लोगों को एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि देखो लव करना बिल्कुल ठीक है, पर लव के लिए घर वालों को छोड़ना बिल्कुल गलत है। हम खुश, सच में बताऊं, जो माँ बाप का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। हम सच बताऊं, हम लोग इतने खुश भी इसलिए भी रहते हैं क्योंकि हमने अपने पेरेंट्स को प्रायोरिटी दी, एंड यू नो मेरी इन लॉज की इन्वॉल्वमेंट भी है हमारी लाइफ में, मेरी फैमिली की भी इन्वॉल्वमेंट है मेरी लाइफ में, एंड अगर सिर्फ मैं अपनी मायंग को चुनती तो शायद मैं आज इतनी खुश नहीं रहती। माँ बाप मान जाते हैं, देखो अगर आप वो आपको ना स्टार्टिंग में जो हमारे साथ हुआ, आपने पहले लव स्टोरी सुना और इसमें सुना, तो घर वाले ना आपको चेक करते हैं कि सोसाइटी आपको परेशान कर रहा है, उससे पहले क्या हम इनको देख लें कि क्या ये सच में रह सकते नहीं रह सकते, वो आपको थोड़ी मुश्किल करते हैं। परफेक्ट पार्टनर मिलना बिल्कुल मेरे को नहीं लगता इट्स इजी, यू नो थोड़ा सा स्टार्टिंग में पेरेंट्स को परेशान होते हैं, तकलीफ देते हैं, बाद में जब वो हमें खुश देखते हैं तो वो भी खुश रहते हैं। तो पेरेंट्स के लिए भी एक ही मैसेज मैं देना चाहूंगा कि अपने बच्चों की भी सुनो, उनको आजमाओ या कुछ भी करो, पर एटलीस्ट उनकी सुनो, सीधा ही पहला नो फैसला गलत है, क्योंकि देखो अरेंज मैरिज भी टूटती है, लव भी टूटती है, बिल्कुल आजकल तो लव को सब गलत बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं, अरेंज भी टूट रहे, लव भी टूट रहे, कोर्ट में भरे पड़े हैं केसेस, तो इसलिए किसी को जज करना गलत बात है पहले ही, तो बस इतना सा मैसेज देना चाहूंगा, बाकी घर वालों का भी दिल नहीं दुखाना और बड़े को भी कहूंगा अपने बच्चों का दिल कभी मत दुखाना। जो स्टोरी हमने आपको बताई है ना, ये जितना हमें इंटरेस्टिंग है ना वो मैं बताई थी, बट एक्चुअली इसके पीछे जितना पेन है, जितना यू नो तकलीफ है, जितना स्ट्रगल है, कितनी बार घर से रूट रूट के बाहर बैठ बैठ के रोया, घर से 1 किलोमीटर दूर जाके बैठ के रोडों पे बैठ के रोया, सड़क के फुटपाथ पे अक्षय बनाना आता था मेरे को। जिस टाइम पे हम बता रहे थे ना कि हमारी बातचीत घर वालों के थ्रू चल रही थी, उस टाइम मैंने बहुत स्ट्रगल झेला है, गाड़ी
बैठा हूँ तो आंसू निकल रहे हैं, बाहर बैठा हूँ तो रो रहा हूँ, सोचे कि शादी नहीं हो पाएगी तो क्या होगा। प्रेशर था कि शादी कर ले शादी कर ले। शाये का 365 दिन मैं साथ था, तो मैंने शायद ये जब मैं बड़ा हूँ तो शायद मुझे मिल चुकी थी। जब मैंने घूमना स्टार्ट किया तो मैं हर जगह शाये के साथ गया, तो मैं कहीं भी जाऊंगा मुझे शाये दिखती। इसी चक्कर को सोच के मैं हमेशा रो जाता था कि अगर शाये नहीं हुई तो मैं इस जगह पे जा भी पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा। ऐसा नहीं है, हम खूब लड़ते हैं। देखो हर रिश्ते में लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता, हम खूब लड़ते हैं। नहीं, ऐसा चलता है। देखो पहले अपने जिंदगी के 7 साल, जो एक लड़की की जिंदगी सबसे ज्यादा 7 साल होते हैं, वो मैंने इसको दिए। तो अब अपना थोड़ा टाइम वापस, अपना एंजॉय पर्सनल टाइम तो होना चाहिए ना यारी दोस्ती के साथ, तो इसलिए चलो बाय बाय, लव यू। अगर लव स्टोरी अच्छी लगी तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को भी मासा ट्यूबर है, मासा ट्यूबर हमारे ब्लॉग्स को पसंद करिए यार, और देखना क्या करते हैं, कमेंट करना। आई लव यू गाइस, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। और आप लोग के अच्छे कमेंट्स की वजह से घर वालों ने पढ़ा तो शायद इसलिए भी पापा ने कहा चलो करा देते हैं। तो थैंक यू गाइस, आप लोग का कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन है आप लोग का। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।